देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज, मैं आपके साथ विजय यादव। उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में आटा पिसाई केंद्र में आग लगने के चलते लाखों का सामान जलकर राख हो गया। आग की चपेट में आने से पिसाई केंद्र में रखा अनाज और मशीनरी उपकरण पूरी तरह से जलकर नष्ट हो गया। सूचना पर पहुंचे दमकल कर्मियों द्वारा आग में काबू तो पा लिया गया, तो वहीं आग से लाखों की क्षति पहुंचने से पिसाई केंद्र स्वामी को खासी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। मामला कबरई थाना क्षेत्र के किदवई नगर का है, जहां हीरालाल कुशवाहा के पिसवाई केंद्र में देर रात आग लगने के चलते लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। केंद्र पर रखा कुंटलों अनाज और मशीनरी पूरी तरह से जलकर राख में तब्दील हो गया। केंद्र स्वामी हीरालाल कुशवाहा ने बताया है कि केंद्र पर आग लगने की सूचना उसे पड़ोसी द्वारा देर रात को दी गयी। जब वह केंद्र पहुंचा तो पास पड़ोस में रहने वाले लोगों द्वारा आग बुझाने की कोशिश की जा रही थी। चंद मिनटों में आग द्वारा विकराल रूप धारण करने के चलते तत्काल दमकल विभाग को सूचना दी गई, लेकिन दमकल कर्मियों के पहुंचने से पूर्व ही केंद्र पूरी तरह से जलकर नष्ट हो चुका था। महोबा से संवाददाता इमरान कुरैशी की रिपोर्ट। रात में हम यहाँ से चक्की बंद करके 8 बजे अपने घर गए हुए थे। इसके बाद खाना खा करके एक बार आए हैं यहाँ, तो यहाँ सब देख करके कुछ नहीं था। इसके बाद 11 बजे के आसपास, 11 हो या 11:30 का टाइम था, पीछे वालों ने, जो ये मकान है पीछे, उन्होंने मेरे घर में सूचना दी कि आपकी चक्की में आग लगी हुई है। तो हम वहाँ घर से आए, तो यहाँ से इनको जो जिनका एक किराए से ली हुई है, हम एक किराए से ज़मीन लिए हैं, ये सब हमारा था, ये जो सामान लगा हुआ है इनकी ज़मीन भर किराए से लिए थे हम, पर सब हमारा था, जो जल कर राख हो गया, जो दूसरे का आटा रखा हुआ था ये सब जल गया। ये लोग हमसे मतलब ये कह रहे हैं कि हमारा आटा दीजिए, और हमारे जब हमारे पास नहीं कुछ बचा तो बताइए हम कहाँ से दे दें। करीब वही 5 से 6 लाख या के आसपास मेरा।